सुप्रभात बच्चों, कक्षा 6 की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत में व्यवहारिक शब्द कोश लेकर आए हैं और व्यवहारिक शब्द कोश में के अंतर्गत हम शरीर के अंगों के नामों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी ने इंग्लिश में बॉडी पार्ट्स नेम पढ़े हुए हैं, हिंदी में भी हमारे शरीर के अंगों के नाम आपको सभी को मालूम है कि हम उसे आँख बोलते हैं, कान है, गला है, नाक है। तो उसी तरह शरीर के जो अंग हैं उनके नाम भी संस्कृत में अलग अलग हैं, कुछ हिंदी से मिलते जुलते हैं। तो चलिए आज हम अध्ययन करते हैं संस्कृत में शरीरस्य अंगानि। शरीरस्य अंगानि मतलब शरीर के अंगों के नाम। तो सबसे पहले सिर, सिर से शुरुआत करते हैं। पहला है शिरः मतलब कि सिर, सिर को हम क्या कहते हैं, शिरः मतलब सिर। दूसरा है नेत्रम, नेत्रम या नयनम या लोचनम। तो आँख के अलग अलग पर्यायवाची जो संस्कृत में है कि नेत्रम का मतलब भी आँख होता है, नयनम का मतलब भी आँख होगा, लोचनम का मतलब भी आँख होता है। उसके बाद मुखम, मुख मुंह, मुख मतलब हमारा मुंह। ललाटम मतलब माथा, ये हमारा जो है ललाटम माथा जिसे हम कहते हैं। चर्म, चर्म मतलब त्वचा। कई बार आपने सुना होगा चर्म रोग हो जाते हैं, चर्म रोग मतलब त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तो चर्म जो है संस्कृत का शब्द है। दंत, इससे भी आप परिचित होंगे, दंत चिकित्सा या दंत मतलब दांत। कर, कर हस्त पाणि, ये तीन अलग अलग नाम है या पर्यायवाची शब्द जो संस्कृत की है, इसका मतलब होता है हाथ। कर मतलब कि हाथ, हस्त हस्त का मतलब भी हाथ और पाणि, पाणि का भी मतलब हाथ होता है। इसके बाद आते हैं हम ग्रीवा, ग्रीवा मतलब कि गर्दन, ग्रीवाह, ग्रीवाह मतलब गर्दन। फिर आता है कर्ण या श्रोतम, कर्ण, कर्ण मतलब कि कान या श्रोतम, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं समझ सकते हम, तो श्रोतम इसका अर्थ होता है कान। इसके बाद आते हैं नासिका, नासिका मतलब सभी जानते होंगे नाक, नाक को हम क्या बोलते हैं, नासिका। तो इस तरह ये हमारे संस्कृत में कुछ शरीर के जो अंग हैं उनके नाम हैं और बहुत कुछ हमने इनको सुन भी रखा है, कुछ हिंदी से मिलते जुलते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव शब्द, तो कुछ शब्द संस्कृत से जैसे ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें भी कुछ तत्सम भी है और कुछ तद्भव है जो अपने बदले हुए रूप के साथ हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो यही है तत्सम शब्द या तद्भव शब्द जो कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं। अब है केशव, केशव मतलब बाल। कटीह, कटी का मतलब होता है कमर। अस्थीह हड्डी। अंगुली, अंगुलीह मतलब कि उंगली। अब इसमें अंतर कुछ नहीं है, अगर संस्कृत के शब्द है तो अंगुली ल में छोटी की मात्रा के साथ विसर्ग लगा है, लेकिन हिंदी में अंगुली बोला है मतलब कि बड़ी की मात्रा लगी हुई है। हृदय, हृदय मतलब कि हमको मालूम है दिल होता है, हृदय सभी को मालूम है, तो संस्कृत में हृदय, हिंदी में हृदय या दिल बोलते हैं। मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब कि दिमाग। उदर, उदर का मतलब होता है पेट। कंठ, कंठ मतलब कई बार बोलते हैं कंठ सूख रहा है मतलब कि गला सूख रहा है, कंठ गला। ओष्ठ होंठ, ओष्ठ होंठ। और करतलम मतलब कि हथेली। कर मतलब जैसा कि आपको बताया है कर का मतलब हाथ होता है, लेकिन करतलम मतलब कि हथेली। तो इस तरह हमने कुछ शरीर के अंगों के नाम सीखे हैं। इसके अलावा भी जैसे पाद मतलब कि पैर, बहुत सारे और भी नाम हैं। तो आप लोग इतने ही नामों का अभी अध्ययन करेंगे, इनका बार बार पुनर्अभ्यास करेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे और साथ में इसे इन सभी जो शरीर के अंगों के नाम हैं अपनी अपनी कॉपियों में भी लिखेंगे। धन्यवाद।